भाजपा से संबंध रखने वाले अरुण जेटली एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कभी लोकसभा चुनाव नहीं जीता, फिर भी वो पार्टी के पसंदीदा नेताओं की लिस्ट में हमेशा शामिल रहे। संसद से लेकर कोर्ट तक उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर सब हासिल किया। आइए जानते हैं उनके अब तक के राजनीतिक और निजी जीवन के सफर के बारे में। अरुण जेटली का जन्म 28 दिसंबर 1952 को दिल्ली में हुआ था। अरुण जेटली की शुरुआती पढ़ाई लिखाई सेंट जेवियर्स स्कूल नई दिल्ली से हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम की उपाधि प्राप्त की। 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने वकालत की डिग्री भी हासिल की। अरुण जेटली बचपन से ही काफी मेधावी छात्र रहे, उन्हें कई अकादमिक पुरस्कार भी दिए गए। स्कूली पाठ्यक्रम के अलावा वे अतिरिक्त गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, इसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए थे। अरुण जेटली के जीवन में राजनीतिक अरुण जेटली के राजनीतिक जीवन की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई थी। 1974 में वे डीयू के छात्र संगठन के अध्यक्ष रहे थे। 24 मई 1982 को अरुण जेटली का विवाह संगीता जेटली से हुआ था। उनका एक बेटा रोहन और बेटी सोनाली है। राजनीति। अरुण जेटली ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1975 से की, जिसके बाद से वे राजनीति में सक्रिय रूप से कार्यरत रहे। 1991 में वे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बन चुके थे। मुद्दे और राजनीति की बेहतर समझ रखने वाले अरुण जेटली को 1999 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का राष्ट्र प्रवक्ता बना दिया गया था। 1999 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार सत्ता में आई। तब की वाजपेयी सरकार में जेटली को सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री के साथ विनिवेश राज्य मंत्री की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई। 2004 के चुनाव में वाजपेयी सरकार सत्ता से बाहर हुई तो जेटली पार्टी महासचिव बनकर संगठन की सेवा करने लगे। साथ ही उन्होंने अपना कानूनी करियर भी शुरू कर दिया था। सरकार में हमेशा मजबूत स्थिति में रहे अरुण जेटली ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में केवल एक बार 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा। मोदी लहर में जहां छोटे मोटे प्रत्याशी भी कई लाख मतों से जीते, वहीं अरुण जेटली को अमृतसर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अमरिंदर सिंह के हाथों 1 लाख से ज्यादा मतों से हार का सामना करना पड़ा था। बावजूद राजनीति में उनका कद और बढ़ता चला गया। 2014 के चुनाव में भाजपा ने बंपर जीत के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई तो 1 लाख से ज्यादा मतों से हारने वाले अरुण जेटली को 26 मई 2014 को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही उन्होंने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और रक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। ये राजनीति और भाजपा में अरुण जेटली की अहमियत को साबित करता है। अरुण जेटली द्वारा लिए गए प्रमुख फैसले और विचार। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विचार पर सहमति जताई कि धर्म के आधार पर आरक्षण खतरनाक है। उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण खत्म करने की बात कही। नवम्बर 2015 में जेटली ने विवाह और तलाक को नियंत्रित करने वाले कानून और मौलिक अधिकारों के समर्थन में भी अपना बयान दिया था। सितंबर 2016 में उनके द्वारा आय घोषणा योजना शुरू की गई। 8 नवंबर 2016 को उनके वित्त मंत्री के कार्यकाल में सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोटों को प्रतिबंधित कर दिया था। इसका मकसद भ्रष्टाचार, काले धन, नकली मुद्रा और आतंकवाद से लड़ना बताया गया था। उनके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण फैसला जीएसटी का था। जीएसटी के जरिए देश में कई नए व्यवस्था लागू कराई गई थी। पहले शीला दीक्षित, फिर सुषमा स्वराज और अब अरुण जेटली ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसा लग रहा है कि एक राजनीतिक विरासत का अंत हो रहा है, या यूं कहें कि राजनीति की एक पीढ़ी जिसने इसके नए आयाम को रचाया बसाया अब हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी है। आज दुखद खबर के कि लंबे समय से टिश्यू कैंसर आज दुखद खबर के कि लंबे समय से टिश्यू कैंसर से जूझ रहे भारत के पूर्व वित्त मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली जी अब हमारे बीच नहीं रहे। 9 अगस्त को उन्हें लंबी बीमारी के चलते दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया।
और शनिवार 12:07 पर